نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس رب کائنات نے آج 17واں روزہ نصیب فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس ماہ صیام میں ہم تمام مسلمانوں کی بخشش فرمائے اور ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج غزوہ بدر کا دن ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام کے ساتھ مل کر غزوہ بدر جو فتح کیا، اس کے حوالے سے آج علامہ صاحب سے بھی بات کریں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے شروع کریں گے، جس کی سعادت حاصل کریں گے حافظ ثناء اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ ثناء اللہ۔ اب میں دعوت دوں گا قاری محمد ارشاد کو کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عجب سرور ہے، عجب سرور ہے اس بات کو دہرانے میں، خدا گواہ ہے نہیں آپ سا زمانے میں، خدا گواہ ہے نہیں آپ سا زمانے کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا، اور تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے
तेरी दुआओं की ही बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए जो हक में उम्मत की तेरे लब पर सवाल आया कमाल आया जो हक में उम्मत की तेरे लब पर सवाल आया कमाल हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया कमाल आया और उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान है कैसे रो किस राजन से लर्जां उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान है कैसे रो किस राजन से लर्जां उमर के आने से कुफर पर जो ज़िवाल आया कमाल आया उमर के आने से कुफर पर जो ज़िवाल आया कमाल आया और नबी तो सायम सभी है आला है रुतबे सब के अजीम वाला नबी तो सायम सभी है आला है रुतबे सब के अजीम वाला मगर जो आखिर में आमिना का वो लाल आया कमाल आया मगर जो आखिर में आमिना का जो लाल आया कमाल लब पर जो जिक्र है बे मिसाल कमाल जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल कमाल सुभान अल्लाह उमर के आने से कुफर पर जो जवाल आया उमर के आने से कुफर पर जो जवाल आया कमाल आया मगर जो आखिर में आमना का लाल आया कमाल आया नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत हासिल कर रहे थे कारी मोहम्मद इरशाद मौजूद नाजरीन वक्त हुआ है ब्रेक का ब्रेक पर चलते हैं ब्रेक के बाद अलामा साहब की तरफ चलेंगे नाज़रीन ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको बरकत इफ्तार रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता हूँ काफिर है तू शमशीर पर करता है भरोसा काफिर है तू शमशीर पर करता है भरोसा मोमिन है बेतेग भी लड़ता है सिपाही मौजूद नाज़रीन गज़वे बदर के हवाले से आज अलामा साहब से बात करेंगे कि गज़वे बदर के हवाले से
हमारे नाजरीन को मुख्तसर सा बयान सुना दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 17 रमज़ान मुबारक सन 2 हिजरी में ग़ज़वे बदर का वाक़या पेश आया। ये जंग हज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुई और ये आक़ल अलैहिस्सलाम के ज़माने में सबसे बड़ी जंग जो थी वो ग़ज़वे बदर उसको कहा जाता है। और इसमें अल्लाह तबारक व ताला ने इस जंग के अंदर फ़रिश्तों के मलाइका के ज़रिए मदद फरमाई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब जंग शुरू हुई तो एक ज़ोरदार हवा चली। जब हवा चली तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे आसमान से कोई चीज़ आ रही है। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरी मरतबा ज़ोरदार हवा चली, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे आसमान से कोई चीज़ नीचे आ रही है। फिर तीसरी मरतबा आसमान से ज़ोरदार हवा चली, मुझे भी यही महसूस हुआ कि आसमान से कोई चीज़ आ रही है। जब पहली बार आसमान से ज़ोरदार हवा चली तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम 1000 फरिश्तों को लश्कर लेकर ग़ज़वा बदर में शरीक हुए। फिर जब दूसरी मरतबा ज़ोरदार हवा चली तो हज़रत मकईल अलैहिस्सलाम 1000 फरिश्तों का लश्कर लेकर जंग में शरीक हुए। जब तीसरी बार ज़ोरदार हवा चली तो हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम 1000 लश्कर फरिश्तों का लेकर उस जंग में शरीक हुए। तो ये जंग ग़ज़वे बदर इस जंग को कहा जाता है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने आक़ल अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, तू गम ना कर, तू परेशान ना हो, बेशक मेरी मदद तेरे साथ है। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हबीब की मदद इस जंग के अंदर फरमाई और फरिश्तों के ज़रिए मदद फरमाई। जब अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को भेजा कि जाओ मेरे महबूब के साथ, मेरे महबूब के साथ उनके सहाबा इकराम के साथ शरीक हो जाओ और कुफार को वासले जहन्नम कर दो, जब फरिश्ते ज़मीन पर आए तो जब जंग ख़त्म हो गई तो आक़ल अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि सफ़ बंदी करो और हम शुक्राने के नमाज अदा करते, नफिल अदा करते हैं। तो आक़ल अलैहिस्सलाम जब शुक्राने के नफिल अदा करने लगे तो मुसल्ले पर खड़े थे तो अल्लाहु अकबर कहा। सहाबा किराम ने आक़ल अलैहिस्सलाम को देखा कि आक़ल अलैहिस्सलाम मुस्करा रहे हैं नमाज के अंदर। तो जब नमाज ख़त्म हुई तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शुक्राने के नफिल में मुस्करा रहे थे, क्या वजह है? तो आक़ल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इजाज़त देकर भेजा था और जब जाने लगे तो मुझसे इजाज़त नहीं ली। पहले आसमान पर पहुँचे तो अल्लाह ने पूछा कि ऐ जिब्राइल, क्या तुमने मेरे महबूब से इजाज़त ली है? अर्ज़ की, ऐ बारी ताला, इजाज़त नहीं ली। तो रब ताला ने फरमाया, जाओ नीचे जाओ, फौरन जाओ और मेरे महबूब से इजाज़त लेकर फिर मेरे पास आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलामा साहब, इसी सेगमेंट का हिस्सा है सवाल और जवाब का। अलामा साहब, पहला सवाल है, किसी मकरूज के कर्ज में ज़कात जायज़ है? यानी कि किसी मकरूज बंदा है, उसका कर्ज अदा करने में ज़कात अगर उसको दे दी जाए तो ये जायज़ है या नहीं? जी, अगर कोई बंदा कर्ज़दार है तो दूसरा साहिब निसाब है तो वो अपनी तरफ से उसको ज़कात देना चाह रहा है तो उसकी तरफ से ज़कात अदा हो जाएगी। और जो कर्ज़दार है, अगर वो चाहे तो अपनी जो कर्ज़दार है जो जितनी भी रकम देनी है तो उन पैसों से वो रकम अदा कर सकता है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, किराए पर जो सामान दिया जाता है इस पर ज़कात है या नहीं? बेशतर औक़ात दुकानदार जिस तरीके से माल रख लेते हैं और उनको किराए पर चलाते हैं, इसकी मिसाल इस तरीके से है जैसे शामियाने वगैरह, देगें वगैरह किराए पर मिलती हैं, मोटरसाइकिल किराए पर मिल जाते हैं, या गाड़ियाँ हैं, कार वगैरह हैं, ये भी किराए पर तिजारत के घर से इस्तेमाल की जाती हैं, इन पर ज़कात है या नहीं? जी, इन पर जो चीज़ें किराए पर दी जाती हैं तो इनके ऊपर ज़कात नहीं है। हाँ, अगर कोई माल तिजारत का ज़रिया हो जैसे दुकानें हो गई या कोई और साजो सामान है या घर हो गए, किराया इनका आता है सालाना, जैसे साल भर का किराया आता है, तो इनके ऊपर ज़कात वाजिब है, यहाँ सूरत में देनी होगी। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल है, इत्र फरोशों की शीशियों पर ज़कात है या नहीं? ये इत्र खुशबू वगैरह जो है महंगी महंगी खरीदी जाती हैं और इन पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं?
जी इनके ऊपर भी ज़कात फ़र्ज है, इसलिए कि ये माल तिजारत है, लोग इसे तिजारत कारोबार बनाते हैं, तो इसके ऊपर माल ज़कात फ़र्ज है। बहुत शुक्रिया। सवाल और जवाब का सेगमेंट यहाँ इख्तिताम पज़ीर होता है। वक्त हुआ हमारे अगले सेगमेंट का, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए ताकि हम अपने सेगमेंट को मज़ीद बेहतर बना सकें। मौजूद नाजरीन, वक्त हुआ आखिरी सेगमेंट नेकी की बात का, औरत का बिल्ली पर जुल्म। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बनी इसराइल में एक औरत थी, उसने एक बिल्ली पाली। वो औरत रिश्तेदारों से मिलने गई और बिल्ली को रस्सी से बांध गई। उस औरत का ख्याल था कि जल्दी वापस आ जाऊंगी, लेकिन 3 दिन तक वापस ना आई। अगर बिल्ली आज़ाद होती तो कहीं से खा पी कर गुजारा कर लेती, लेकिन वो रस्सी से बंधी रही। 3 दिन में बिल्ली भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर गई। हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस औरत ने बिल्ली को बांधा था जब वो मर गई, तो अल्लाह ताला ने उस औरत पर क़यामत तक बिल्ली का अज़ाब मुसल्लत कर दिया, और वो बिल्ली क़यामत तक उस औरत के जिस्म को नोचती और खाती रहेगी। वक्त हुआ इख्तिताम का, कल नए सेगमेंट और नई अफ्तार ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगबान। मदीना सलाम, ए शहनशाह मदीना सलाम, जीनत अरशे मुअल्ला, जीनत अरशे मुअल्ला, सलाम ए शहनशाह मदीना सलाम। मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा, है फरिश्तों का वजीफा, अस्सलातुस्सलाम ए शहनशाह मदीना अस्सलातुस्सलाम, जीनते अरशे मुअल्ला, जीनते अरशे मुअल्ला, अस्सलातुस्सलाम ए शहनशाह मदीना अस्सलातुस्सलाम।